राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है ऑल न्यू महिंद्रा की XUV 700। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये है 1.7 लग्जरी पैक के साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल के अंदर। इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलते हैं 6 डिफरेंट कलर के ऑप्शन। आज जो मेरे साथ है इसका व्हाइट कलर है। कार के साथ मिलती है इस टाइप की आपको 2 रिमोट कंट्रोल की। कार के अंदर आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाता है। इनकेस इसकी बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ से फ्लिप की निकाल कर कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए काम आने वाली है। इधर महिंद्रा का लोगो और यहाँ मिल जाते हैं आपको बटन्स लॉक के लिए, अनलॉक के लिए, और होल्ड कर रखेंगे तो इसका बूट एक्सेस करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है। साइड में आपको यहाँ LED DRL मिल जाती है। इसके अंदर आपको स्वाइप इंडिकेटर लाइट देखने मिलती है, वो भी आपको LED मिलती है। फ्रंट के अंदर आपको फुल LED सेटअप मिल जाता है। यहाँ हाई और लो बीम की बात करें तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस सेटअप मिल जाता है हाई और लो बीम के लिए। जस्ट नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाता है, ये भी आपको रिफ्लेक्टर बेस मिलता है। यहाँ साइड में आपको इसकी LED DRL मिल जाती है। वापस ऑन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से देख सकते हैं, काफ़ी ब्राइट मिल जाती है। ग्रिल कुछ ऐसे देखने मिलती है। सेंटर में महिंद्रा के लोगो के जस्ट नीचे आपको यहाँ मिलता है इसका 360 कैमरा फ्रंट वाला। नंबर प्लेट की यहाँ प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे इसके अंदर आपको एडास के लिए कैमरा देखने के लिए मिल जाता है विंड शील्ड के अंदर। ऊपर की साइड में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाती है और शार्पन एंटीना पीछे की साइड मिलता है। यहाँ पे इसके मिरर की बात करें तो बॉडी कलर मिरर मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक फोल्ड, इलेक्ट्रिक एडजस्ट मिल जाता है, इंडिकेटर लाइट यहाँ मिल जाती है और 360 कैमरे के लिए यहाँ प्लेसमेंट मिल जाती है। अगर इसको कार को लॉक करते हैं तो आपके जो डोर हैंडल है ये इनसाइड चल जाएंगे, अनलॉक करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे, और आपको पीछे वाले साइड वाले अगर बाहर लाने हैं स्वाइप के तौर पर तो एक बार और दबाएंगे तो पीछे वाले भी डोर्स के हैंडल बाहर आ जाएंगे ऑटोमेटिक, और लॉक करते ही इनसाइड चल जाएंगे। यहाँ पे आपको कीलेस के लिए एंट्री मिल जाती है, जैसे इसको आप दबाएंगे ये बाहर आ जाएगा। तो ये एक बार फ्रंट वाला ही आएगा और फिर वापस दोबारा करेंगे अनलॉक तो पीछे वाले भी आ जाएंगे। यहाँ पे आपको चाबी लगाने की मिल जाएगी इनकेस बैटरी लो हो जाएगी तब। फ्रंट डोर की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ विंडोज़ के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं, सॉफ्ट लेदर का यहाँ यूज़ करा गया है, यहाँ पे भी सॉफ्ट लेदर का यूज़ करा गया। इंटीरियर आपको ड्यूल टोन मिल जाता है ब्लैक एंड बेज के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ड्राइवर सीट। ये आपको 6-way एडजस्ट मिल जाती है इलेक्ट्रिक के अंदर और 4-way आपको मैनुअल एडजस्टेबल के अंदर मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं 4-way कैसे मिलती है मैनुअल के अंदर। अप एंड डाउन के लिए आपको हेडरेस्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको लंबार सपोर्ट के लिए मिल जाता है, जिसे आपको आगे चाहिए तो आगे और पीछे करने के लिए ये मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपका मैनुअल एडजस्टेबल के लिए। और आपको इलेक्ट्रिक मिलता है यहाँ पे सीट को आगे रिक्लाइन करने के लिए, पीछे करने के लिए, सीट को आगे और पीछे करने के लिए, और अप एंड डाउन करने के लिए मिल जाता है। तो ये हो जाता है 6-way इलेक्ट्रिक, और 3 आपको मेमोरी फंक्शन के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आप 1 लीटर की बोतल ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डोर पे लाइट मिल जाती है फ्रंट के अंदर, ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड में। मैं को पैसेंजर साइड भी आपको दिखा देता हूँ। और इसके अंदर एलो व्हील की इनकी बात करें तो 200mm का यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर के अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ मिलता है आपको 235/60R18 इंच के इस टाइप के आपको एलो व्हील मिल जाते हैं। और को पैसेंजर साइड भी दिखा देता हूँ मैं आपको फटाफट से। को पैसेंजर साइड वाली सीट जो है ये आपको मैनुअल एडजस्टेबल के अंदर मिलती है। ये आपको 6-way मिल जाती है सीट आगे पीछे रिक्लाइन के लिए और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के लिए। इसके अंदर ना ही आपको अप एंड डाउन के लिए मिलता है, ना ही लंबार सपोर्ट के लिए मिलता है मैनुअल के अंदर। यहाँ पे भी आपको लाइट देखने मिलती है। कार के डोर्स पे सॉफ्ट लेदर का यूज़ करा गया है। अब कार के कैबिन के अंदर चलते हैं, फिर इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसके इंटीरियर कलर की बात करें तो ड्यूल टोन में आपको इंटीरियर मिलता है ब्लैक एंड बेज के अंदर। इस पैनल पर सॉफ्ट लेदर का यूज़ करा गया है, जस्ट नीचे आपको सिल्वर फिनिश मिलती है और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया है। एसी वेंट्स पे आपको क्रोम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, एसी हीटर का बहुत काम करेगा। यहाँ पे आपको डिफोगर के लिए, यहाँ पे मैक्स एसी के लिए मिल जाता है, डिफोगर कंट्रोल्स, ऑटो के लिए, मोड्स के लिए सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, और रियर की एसी को ऑन और ऑफ करने के लिए मिल जाता है। जैसे आप रियर की एसी भी ऑन करेंगे तो यहाँ लाइट चालू हो जाएगी, ऑफ करने के लिए मिल जाता है एसी के लिए, और ड्यूल पे करने के लिए मिल जाता है। नीचे यहाँ पे एयरबैग के लिए मिल जाता है आपका, जैसे को पैसेंजर वाला अगर एयरबैग आप ऑफ कर देते हैं उसके लिए लाइट चालू हो जाएगी, ऑन करेंगे तो ऑन के लिए लाइट चालू। सीट बेल्ट के लिए यहाँ लाइट चालू होती है, हैजार्ड लाइट के लिए यहाँ मिल जाता है। यहाँ से डायरेक्ट आप कैमरा चालू कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, क्योंकि इसके अंदर 360 कैमरा मिलता है। यहाँ से आपको स्क्रीन सेवर के लिए मिल जाता है डिसेबल और एनेबल करने के लिए। यहाँ ड्राइविंग मोड्स के लिए मिल जाता है, तो इसके अंदर आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिप, जैप, जूम और कस्टम के हिसाब से। इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है। इसके अंदर एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, वायरलेस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिव मिलती है, FMO रेडियो मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको इधर टच स्क्रीन मिलती है और इधर आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, तो 2 आपको स्क्रीन मिल जाती है। इसको बैक कर देते हैं। इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको 12 स्पीकर मिल जाते हैं सोनी के म्यूजिक सिस्टम के साथ में, तो काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे बात करें, जैसे मैं होम पे कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। इसको हटा देते हैं। इसके सेटिंग्स में जाएँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जनरल, डिस्प्ले, डेट, ऑडियो, वायरलेस के लिए, और ऊपर स्लाइड करेंगे नीचे से तो यहाँ पे जस्ट डायल के लिए,
कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, डिजिटल आप डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए इसको नीचे कर देता हूँ। और ऊपर से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको रोड साइड असिस्ट, नोटिफिकेशन, हेल्प, वीडियो और सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। इसको वापस होम पे चल जाते हैं तो यहाँ पे ये 3 स्क्रीन आ जाती है, रेडियो, ऑडियो, एंड्रॉयड ऑटो के लिए और एप्पल कार प्ले के लिए। इधर आपको डेट और टाइम देखने के लिए मिल जाता है और यहीं आपको इसके अंदर एसी के लिए भी देखने मिलेगा, जैसे भी बोथ साइड आपको लो टेम्परेचर का रखा है तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके IRM की बात करें तो ये आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलता है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आपको कैबिन के लिए लाइट मिल जाती है। पर्टिकुलर एक चालू करनी है, दो चालू करनी है वो कर सकते हैं, डोर पे रखना चाहे जैसा आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। ये LED मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ के लिए यहाँ कंट्रोल मिल जाते हैं, वन टच आपका ब्लाइंड पीछे चल जाएगा कुछ इस टाइप से। और अब सनरूफ इसका ओपन हो जाएगा जो पैनोरामिक सनरूफ है कुछ इस टाइप से, देख सकते हैं। ये इतना पीछे चल जाएगा और थोड़ा पीछे जाता है क्या, नहीं, अभी इसको आगे कर देते हैं तो ये वन टच ही आगे आ जाएगा। यहाँ पर भी स्पीकर रिप्लेसमेंट मिल जाती है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इधर आपको वेंट मिरर मिल जाता है लाइट के साथ में, जैसे आप इधर स्लाइड करेंगे तो आपकी लाइट चालू हो जाती है। और एयरबैग के लिए देखने के लिए मिलता है, इधर आपको प्लेन देखने के लिए मिलता है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो स्टेयरिंग व्हील आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिल जाती है, यहाँ महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, इधर एयरबैग मिलता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको 7 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के लिए बटन्स मिल जाते हैं, ग्लॉस ब्लैक का यूज़ करा गया है क्रूज कंट्रोल के लिए, और आपके MID क्लस्टर के लिए बटन मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको सोर्स के लिए, म्यूट के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा, सॉन्ग चेंज करने के लिए और वॉइस कमांड फ़ोन उठाने काटने के लिए। इसके अंदर आपको एलेक्सा भी मिल जाती है, वो कुछ टाइम तक फ्री रहने वाली, उसके बाद आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा। उसको आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट उसकी मेंबरशिप आपके पास होनी ज़रूरी है। यहाँ बात करें तो डिजिटल आपको क्लस्टर मिल जाता है, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन देखने मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो यहाँ पे भी पी पे है तो पी पे आ जाएगा, रिवर्स करेंगे रिवर्स, न्यूट्रल करेंगे न्यूट्रल, ड्राइव करेंगे तो ड्राइव। इलेक्ट्रिक हैंडब्रेक मिल जाता है ऑटो होल्ड के साथ में, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। और यहाँ पे आपको मैनुअली शिफ्ट करना है, यानी मैनुअली अगर आपको चलाना है तो आपको स्लाइड करना है मैनुअल पे, फिर आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉफ्ट लेदर का यूज़ करा गया गेयर बॉक्स पे, दो कप होल्डर मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है कंट्रोल, जिसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं बैक के लिए, इसको घुमाएंगे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाता है सॉन्ग्स के लिए, यानी आपके मीडिया के लिए, यहाँ पे आपको फेवरेट और फ़ोन उठाने के लिए, तो यहाँ पे ये बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है जिसको आप आगे पीछे कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, सॉफ्ट लेदर का यूज़ करा गया है। इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ तो ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है, ये आपको कूल मिल जाता है तो ये प्लस पॉइंट होता है। और ये जो है ऐसे कुछ करके यहाँ पे ये रुकता है, जिस पे आपकी चाबी के अंदर इनकेस बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ चाबी रख के आपकी कार डिटक्ट कर लेगी, उसके बाद आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये लॉक भी हो जाता है तो ये अच्छी बात है। इसे ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ग्लोव बॉक्स ऐसे सॉफ्ट टच में खुल जाएगा। इसके अंदर कार की मैनुअल डायरी मिल जाती है, फर्स्ट एड किट मिल जाता है और एक इनसाइड आपको लाइट मिल जाती है LED के अंदर। इसको कर देते हैं बंद, ओपन करने के लिए ये वाला बटन काम आएगा। ओवरऑल डैशबोर्ड काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाता है। अब बात करते हैं इसे क्लस्टर के लिए, थोड़ा मैं इधर चले गया था गियर शिफ्ट के बारे में बताने के लिए। यहाँ पर आपको डिजिटल मिलती है स्पीड देखने के लिए, RPM देखने के लिए, इधर फ्यूल के लेवल, इधर टेम्परेचर लेवल के लिए। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है काफ़ी सारी, जैसे अभी फ्यूल के लिए देखने मिलती है रेंज क्या है, एवरेज क्या निकाला उसके लिए। इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे DEF लेवल के लिए मिल जाता है इंडिकेटर, और यहाँ से आगे करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइवर इन्फो, ये सारी चीज़ मिलती है। अगर इसके अंदर एंटर करना है तो इस बटन को दबाएंगे तो आप एंटर भी कर सकते हैं, और बैक जाना है तो इस बटन को वापस दबाएंगे अपन, सॉरी ये तो आपको अप एंड डाउन करने के लिए एंटर के लिए मिलता है, और इस बटन को आप दबाएंगे तो वापस इधर आ जाएंगे। क्रूज कंट्रोल के एक्टिव के लिए मिलता है और रिज्यूम के लिए मिल जाता है, फेवरेट करने के लिए मिल जाता है। साइड में आपको क्रोम यूज़ करा गया है, इधर आपको लाइट कंट्रोल मिल जाते हैं ऑटो के साथ में, और इधर मिल जाते हैं फ्रंट और रियर के वाइपर कंट्रोल। यहाँ पे आपको मिलती है सीट के एडजस्ट करने के लिए, जिसको आपको अप डाउन करने के लिए मिल जाता है, आगे पीछे करने के लिए, और 3 आपको मेमोरी फंक्शन के साथ मिल जाते हैं। अपने हिसाब से आप, आपके भाई और आपके पापा लेके जाते हैं तो उस हिसाब से सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक फोल्ड करने के लिए, इलेक्ट्रिक अनफोल्ड करने के लिए और इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे बात करें ड्राइवर साइड तो ये वन टच डाउन नहीं मिलता है, देख लीजिए, और अप भी करके दिखा देता हूँ तो ये अप के लिए भी नहीं मिलता, इसको दबा के रखना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे लॉक करने के लिए मिल जाता है, अनलॉक के लिए मिल जाता है, पीछे वाले विंडो को लॉक करने के लिए मिल जाता है, बाकी आपको विंडो से कंट्रोल, सॉफ्ट लेदर का यहाँ पे यूज़ करा गया है, सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल मिल जाता है। ओवरऑल इंटीरियर काफ़ी नीट एंड क्लीन है, वैसे तो मेरा माना जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव आप पे कर रहे हैं तो आपको एकदम लग्जरी फील होने वाली, क्योंकि वेरियंट ही लग्जरी है।
सारी चीज़ें आपको अच्छी खासी मिल जाती है। नीचे साइड में डेड पेडल मिल जाता है, यहाँ पे ब्रेक के लिए मिलता है और एक्सीलेटर के लिए मिलता है, और हुड ओपन करना है तो उसके लिए लीवर मिल जाता है। इधर मिल जाता है आपको आइडल स्टार्ट शॉक के लिए बटन, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन के लिए मिल जाता है और हिल डिसेंट के लिए मिल जाता है और लाइट के लेवल सेट करने के लिए मिल जाता है। मैं दिखा देता हूँ, अब दिखा हुआ क्लियर। इसके सेफ्टी वाइज फीचर्स की बात करें, जैसे आप इसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो महिंद्रा का लोगो आ जाएगा, और इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो चालू हो जाएगा। इसके सेफ्टी वाइज फीचर्स की बात करें तो एयरबैग मिल जाता है आपको 7, और स्पीड वार्निंग मिल जाती है जो बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करती है। इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटर भी मिल जाता है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। पीछे की साइड में तीनों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट पॉइंट मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको सारे पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाएगी। ग्लोबल इनकैप ने इसको 5-स्टार रेटिंग दे रखी है। इसे लैंड डिपार्चर वार्निंग के लिए मिलता है, इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग के साथ मिलता है, फॉरवर्ड क्लोजिंग वार्निंग के साथ मिलता है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाता है, हाई बीम असिस्ट मिल जाता है। अब हाई बीम असिस्ट कैसे काम करता है, मान लीजिए सामने से कार आ रही है, मेरी कार की लाइट पूरी अप साइड है यानी बिल्कुल अप कर रखी है, तो ये सामने डिटेक्ट कर लेगी, ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगी और ऑटोमेटिक वापस अप हो जाएगी जैसे ही अंधेरा इसको महसूस होगा। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन लेन डिपार्चर के लिए मिल जाता है, रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट मिल जाता है, इसके अंदर चाइल्ड सीट अनोच पॉइंट मिल जाता है आपको। इसके ब्रेकिंग अट्रैक्शन की बात करूं तो कार के अंदर ABS, EBD मिलता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है। इस टाइप के इसके अंदर आपको सेफ्टी वाइज फीचर मिल जाते हैं। सीट मैंने बिल्कुल पीछे कर रखी है, मैं आपको और दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पे थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, नी रूम अच्छा खासा है, हेड रूम अच्छा खासा, तो कोई दिक्कत नहीं फ्रंट के अंदर। और इंजन स्टार्ट के लिए यहाँ बटन मिल जाता है, जैसे ही ऑन होता है तो यहाँ रेड लाइट आ जाए, ऑफ होने के बाद ही बंद हो जाएगा। तो बंद होते वक्त ऐसे कुछ ग्राफिक्स, जैसे आप डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे डोर के लिए वार्निंग भी देखने मिलती है, अगर सनरूफ ओपन रह जाएगा तो सनरूफ के लिए आएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं इसकी मिडल वाली सीट पर। इस वेरिएंट के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट की वीडियो बन गई है, फिर भी इसके अंदर कुछ रह गया, उसके बारे में बताता हूँ क्या रह गया। यहाँ वायरलेस चार्जर मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, एक टाइप ए मिलता है फास्ट चार्जर साथ में, एक टाइप ए मिलता है नॉर्मल USB पोर्ट के साथ में। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है आपको फ्रंट के अंदर, और यहाँ मिल जाता है आपको 6-स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। आपको मैनुअली भी अगर इसको ऑपरेट करना तो वो भी कर सकते हैं आप। कार की मिडिल सीट पर मैं आ चुका हूँ, इधर देख सकते हैं नी रूम थोड़ा ओके है, इधर नी रूम अच्छा खासा है। ये सीट मैंने एडजस्ट कर रखी, किसी की हाइट 6'5" तक होगी, उस हिसाब से इसको पूरा पीछे कर रखा है और रिक्लाइन भी कर रखा है, तो ऐसा कुछ नी रूम मिलेगा आपको। अगर किसी की हाइट 5'8" से 5'9" रहने वाली है तो ऐसा कुछ आपको नी रूम मिलेगा। यहाँ पे थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, हेडरूम इसके अंदर अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम यूज़ करा गया, AC वेंट्स को ऐसे कुछ ऑन और ऑफ कर सकते हैं आप मैनुअली। यहाँ पे टाइप सी मिल जाता है फास्ट चार्ज साथ में, यहाँ पे आपको फ़ोन रखने के लिए मिल जाता है। आगे से अगर पीछे वाली AC बंद करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और ऑन करना चाहे तो वो बटन से काम आने वाली है। यहाँ पे आपको विंडोज़ के लिए कंट्रोल, पियानो ब्लैक का यूज़ करा गया, सॉफ्ट लेदर का, यहाँ पे भी सॉफ्ट लेदर। डोर लीवर आपको मिलता है सिल्वर फिनिश के अंदर, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है हुक के साथ में, या लाइट मिल जाती है आपको LED पीछे की साइड के अंदर, यहाँ भी आपको सेम टू सेम मिलती है। यहाँ पे विंडो सीट कंट्रोल सॉफ्ट लेदर का यूज करा गया, 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। तो पीछे की साइड में मैं काफी कंफर्टेबल हूँ, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीट की बात करें तो यहाँ पे 60-40 का आपको स्प्लिट मिलता है, यहाँ पे आपको छोटा सा हम्प मिलता है, बट आप इजिली इधर उधर खिसक सकते हैं। अगर ये सीट फोल्ड कर देंगे यानी मिडल वाली, तो आपको बहुत ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिलता है कप होल्डर के साथ में, इसको भी निकाल नहीं सकता, गाड़ी बिल्कुल नई है। तो 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, तीनों पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट पॉइंट मिल जाते हैं। ये वाला आपको छोटा सा मिलता है, वैसे ये हेडरेस्ट के तौर पर काम आ जाएगा अगर बच्चा बैठता है तो। इन सीट की बात करें यानी आपको को पैसेंजर और ड्राइवर साइड वाली, तो ये सीट बेल्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, और को पैसेंजर वाली सीट जो है इसको कुछ इस टाइप से लीवर खींचेंगे तो ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, अगर आपको बॉस मोड इसके अंदर एक्टिव चाहिए यानी आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं। इनकेस अगर पीछे के साइड में यानी मान लीजिए आपके कोई अडल्ट बैठे हैं जिनकी हाइट 6'5" है या 6'6" भी हो सकती है, तो उनको नीरों में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे करके इसको आप आगे और पीछे कर सकते हैं, तो पीछे होने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगी बिल्कुल। अब चलते हैं इसकी लास्ट रो की तरफ में और बूट की तरफ में। कार की बैक प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने मिलती है, यहाँ XUV700 आपको लिखा हुआ मिलता है, AX7L का आपको यहाँ बैज मिल जाता है, 2 आपको नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, 2 आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, यहाँ वाइपर मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप यहाँ मिलता है, और वॉशर के लिए आपको यहाँ मिलता है, छोटा सा आपको यहाँ स्पॉइलर मिल जाता है, और शार्फिन एंटीना यहाँ मिलता है। इसकी रियर टेल लाइट की बात करें तो ये साइड वाली आपको LED मिल जाती है इसकी DRL, बट इसकी मेन लाइट आपको हैलोजन सेटअप में मिलती है, रिवर्स लाइट भी हैलोजन सेटअप में, और इंडिकेटर लाइट आपको LED मिल जाती है इसके अंदर यहाँ पे। ओवरऑल कार का बैक लुक कुछ ऐसा देखने मिलता है। अगर इसका बूट ओपन करना है आपको तो यहाँ पे बटन मिलता है, कुछ इस टाइप से आप ओपन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बटन भी, यहाँ मिलता है आपको बटन, यहाँ कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है, और बूट ओपन होने के बाद देख सकते हैं ऐसा कुछ लुक, ऐसा कुछ स्पेस, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक मिल जाते हैं,
और यहाँ से पूरा पैक मिल जाता है और यहाँ से पकड़ के आप बंद कर सकते हैं। इसका सब वूफर भी दिखा देता हूँ। अगर आपको सीट फोल्ड करनी है तो यहाँ पे लीवर मिलता है, इसको आप ऐसे पुल करेंगे ये नीचे की साइड चल जाएगी। यहाँ पे मिलता है इसके अंदर आपको सब वूफर इसके अंदर, और एसी वेंट्स के लिए यहाँ मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और एक आपको स्पीकर यहाँ मिल जाता है यानी ट्यूटर, और यहाँ पे मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ 1 लीटर की बोतल ले सकते हैं। यहाँ पे एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं जिनकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए आपको मिलता है 1, 2, 3 और ऑफ करने के लिए। अगर इसको वापस मैं ऊपर की साइड में कर देता हूँ तो ये आपको एडजस्टेबल हेडर्स मिल जाते हैं पीछे की साइड में। मेरा माने तो पीछे की साइड में बच्चे बैठे हैं ज़्यादा बेटर रहेगा उनको, यहाँ पे नी रूम हेड रूम ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। अगर अडल्ट के अंदर किसी की हाइट मान लीजिए 5'5" हो या 5'6" हो सकती है तो वो भी कंफर्टेबली बैठ के जा सकता है। पीछे साइड में आपको यहाँ पे सीट बेल्ट पॉइंट भी मिल जाते हैं। अगर किसी की हाइट 5'8" 5'9" होगी तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, इन केस वो 230-300 किलोमीटर इस पर बैठ के जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60-40 यहाँ पे मिल जाता है। अगर यहाँ बात करें तो छोटे मोटे बैग ही आने वाले हैं, जो नॉर्मल कॉलेज बैग होते हैं वैसे आप यहाँ पे 3 बैग रख सकते हैं। अगर ये सीट फोल्ड कर देंगे तो आपको 400+ का बूट स्पेस मिल जाएगा, और मिडल वाली फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे आपको 600+ यानी 800 के आसपास बूट स्पेस मिल जाएगा लीटर के अंदर। इसको कर देते हैं बंद, तो कार का बैक लुक कुछ ऐसा बंद होने के बाद, और यहाँ पे मिल जाता है आपको 6 लीटर का डीजल का टैंक। अगर कार अनलॉक होगी तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, अगर लॉक होगी तो ये ओपन नहीं होगा। तो यह डीजल के लिए मिल जाता है आपको टैंक के लिए, और यहाँ पे आपको DAF के लिए मिलता है यानी यूरिया के लिए, ये एक टाइम टू टाइम आपको फिल कराना पड़ेगा। कार की ओवरऑल साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है। इस वेरिएंट की मैं वारंटी पीरियड की बात करूं तो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में, अप टू चाहे तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। अब इसका हुड ओपन करते हैं, फिर इसके इंजन बे के बारे में बात करते हैं। कार का हुड ओपन होने के बाद देख सकते हैं इंजन बे कुछ ऐसा देखने मिलता है। जैसे आप इसका हुड ओपन करेंगे इसकी हैजार्ड लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। इसके इंजन की बात करें तो ये BS6 फेस 2 वाला इंजन है टर्बोचार्ज के अंदर, ऊपर साइड में आपको इंसुलेशन मिल जाता है। इसके इंजन की बात करें तो 2200 cc का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर के साथ में टर्बोचार्ज के अंदर, जो पावर प्रोड्यूस करता है 182 bhp। टॉर्क की बात करें तो 450 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ARI ने इस कार का एवरेज क्लेम करा हाईवे पे 19 किलोमीटर का। तो ओवरऑल इंजन में कुछ ऐसा देखने मिलता है नीट एंड क्लीन। अगर इसको आप 80-100 चलाएंगे तो आप इसके अंदर हाईवे पे 20+ का एवरेज भी निकाल सकते हैं, मेनली आपके चलाने पे डिपेंड करेगा। सिटी के अंदर आप वही मान लीजिए 12-15 का एवरेज, तो ये आपको मिल जाता है फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर। हुड को करते हैं बंद, फिर कार की एक्सट्रीम प्राइस की बात करते हैं। अब बात करते हैं कार की एक्सट्रीम प्राइस की, तो ऑल न्यू महिंद्रा XUV700 AX7 लग्जरी पैक डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की आपको एक्सट्रीम प्राइस मिलती है 23,99,000 एक्सट्रीम जयपुर राजस्थान के अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।